नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बचपन से लेकर अब तक हम एक कविता सुनते आ रहे हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। ये लाइनें जल्दी सोने और जल्दी जागने के लिए बच्चों को प्रेरित करने का एक सूत्र बन गया था, जिस पर हमारे पेरेंट्स ही नहीं डॉक्टर्स भी अमल करने को बोल रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक स्टडी में ये बात सामने आई कि रात 10 बजे से पहले सोना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। एक स्टडी के मुताबिक रात 10 बजे से पहले सोने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जो मृत्यु को आमंत्रित करता है। तो वहीं देर से सोने से भी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई बीमारियां और जीवन शैली संबंधी विकार होने का खतरा रहता है। रात 10 बजे से पहले सोने की आदत से हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मौत का खतरा तकरीबन 9% तक बढ़ जाता है। वहीं स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि 21 से ज्यादा देशों में रात 10 बजे से पहले मरने वाले 5,633 लोगों की मौत की जांच करवाने पर यह सामने आया कि इनमें से 4,346 मौतों की वजह हार्ट अटैक और स्ट्रोक थी। वहीं स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि आधी रात को सोने वाले लोगों में बीमारी और मौत का खतरा अन्य लोगों की अपेक्षा 10% बढ़ जाता है। इस बारे में डॉक्टर वी मोहन, जो इस स्टडी का हिस्सा रहे हैं, ने बताया, हम सब जानते हैं कि हर किसी के लिए 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, लेकिन जल्दी और देर से सोने की बजाय सही वक्त पर सोना बहुत मायने रखता है। हमने सोने और घटनाओं के जोखिम के बीच यू शेप का तालमेल देखा और पाया, जिन लोगों के सोने का वक्त रात 10 बजे से मध्य रात्रि के बीच का था, उनके लिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा काफी कम था। साथ ही ये खतरा उन लोगों के लिए भी कम था जो लोग रात 9 बजे से 1 बजे के बीच सोते हैं। लेकिन ग्राफ में ये बात भी सामने आई कि मृत्यु को आमंत्रित करने वाले हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों में है जो शाम को या 7 बजे से पहले सोते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।